नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंडियन न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आशुकेश तिवारी। आज हम आपको कैटरीना कैफ और विकी कौशल के वेडिंग से जुड़े एक अपडेट देने वाले हैं, लेकिन ये जो अपडेट होगा वो उनके शादी से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब बेसिकली हम नहीं बताएंगे गेस्ट कौन है या फिर शादी कब होने वाली है या फिर शादी कहाँ पे होने वाली है, क्या कैटरीना कैफ घर से निकल गई। ये जो अपडेट होगी वो उनकी शादी से रिलेटेड होगी, लेकिन वो उनकी शादी के काम काजों से रिलेटेड नहीं होगी। हम बात करने वाले हैं विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। हम बात करने वाले हैं हरलीन शेट्टी के बारे में। हरलीन शेट्टी विकी कौशल की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। काफ़ी टाइम तक उनका रिलेशन चला था, लेकिन उन दोनों ने अपनी इस रिलेशन पे चुप्पी नहीं तोड़ी थी कि वो दोनों रिलेशन में हैं या नहीं है। अब जो कैटरीना कैफ से विकी कौशल की शादी होने जा रही है, इसी बीच हरलीन शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा लिख दिया है जिसकी वजह से चारों तरफ बातचीत चलने लगी है कि हरलीन शेट्टी कहीं ना कहीं विकी कौशल को लेकर शायद पछताती है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में एक पोस्ट लिखा है जो कि टोस्ट से रिलेटेड है। उन्होंने लिखा है कि कंटिन्यूली लुकिंग फॉर द मीनिंग ऑफ द टोस्ट, इफ इट इज समटाइम बेटर जस्ट टू ईट द टोस्ट नॉट टू वेट फॉर इट। अब क्या है इनके स्टोरी का मतलब? अब कई लोग कह रहे हैं कि विकी कौशल की कहीं ना कहीं इंतजार में थी हरलीन शेट्टी, लेकिन विकी कौशल वापस नहीं आए। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो इन दोनों की शादी से पछता रही हैं। अब आपका क्या कहना है कि उनके इस पोस्ट पे आपको क्या लगता है कि क्या वो सच में विकी कौशल का इंतज़ार कर रही हैं या फिर विकी कौशल की शादी से दुखी हैं? आपका जो भी कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको उनका ये पोस्ट देखना है तो आप हरलीन शेट्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाके उनकी स्टोरी में ये पोस्ट देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।